दो कटिंग चाय ला मेरे और किंग के लिए अंदर किटली में से। ए मेरे माप की किटली नहीं है। ए बाप पे मच्चा, लाइटिंग स्पेल डाल कर तेरी चोपड़ी उड़ा दूंगा, समझ ले। हाय गाइस, यू चिकुरु के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं उग्रॉप के लिए नया एपिसोड लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो ये जो मैजिकल आइटम की अपडेट दी है हम लोगों को क्लैश ऑफ क्लैन ने एंड ये क्लेन गेम्स की, तो ये क्यों दी है आप लोगों ने कभी सोचा है कि भाई क्यों दी है उन्होंने ये क्लेन गेम्स की अपडेट एंड रीज़न क्या है? तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा। तो ये मैंने रिसर्च की है और मैं आपको ये वो रीज़न बताऊंगा एंड आप लोग भी सोचोगे भाई, आप लोग भी कहोगे भाई यस ये रीज़न थोड़े मिलते जुलते हैं कि भाई ये जितनी भी मैजिकल आइटम की अपडेट दी है वो मे भी इसके लिए हो सकता है। तो स्टार्ट करो, उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई आप लोगों की सबसे फेवरेट मैजिकल आइटम कौन सी है। सबसे फेवरेट मतलब कि वो सबसे फेवरेट है मतलब कि लाइक बुक ऑफ बिल्डिंग, तो आप लोग मुझे बता देना हैशटैग बुक ऑफ बिल्डिंग अगर अच्छी लगती है तो आप लोग हैशटैग बुक ऑफ बिल्डिंग करके कमेंट कर देना, और सभी अगर अच्छी लगती है तो हैशटैग ऑल करके कमेंट कर देना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी तक जब भी बिल्डर हॉल आया, ओके बिल्डर हॉल की जो ये अपडेट आई तब तक COC इतनी स्लो चल रही थी, मतलब कि अगर वहाँ पर 2015-2016 समझ लो ना 2016 के आसपास अगर कोई TH11 वाला मिल जाता वो भी 80-90% मैक्स होता था तो भी हो कर लेते थे, बिकॉज इतने थे ही नहीं TH11 मैक्स आउट प्लेयर, तो ना मतलब कि बहुत ही कम थे और नया TH आया था वो भी रीजन था, तो भी 2016 के एंडिंग में 2017 में बहुत ही कम TH11 प्लेयर थे एंड बहुत ही लोगों को अपग्रेड करने की बहुत टाइम लेता था। मतलब कि अभी एक बात मेरी सुन लो कि ये जो मेरी लैब है उसको मैंने ना 12 से 15 दिन में 5 से 6 चीज़ें अपग्रेड कर ली, अगर ये मैजिकल आइटम ना होती तो दो चीज़ें ही अपग्रेड होती। तो ये जो क्लैश ऑफ क्लैन है वो बहुत ही स्लो हो गई थी एंड आपको पता नहीं तो बता देता हूँ, बिल्डर हॉल जो है वो आने वाला था सेकेंड क्वार्टर में, बट वो आ गया फर्स्ट क्वार्टर के एंडिंग में, मतलब कि मार्च में इस मंथ में आ गया। तो वो रीज़न क्या है, तो उन्होंने दिसंबर के आसपास ऐसा बोला था कि भाई हम लोग चेक करेंगे भाई कितने लोग बिल्डर हॉल 7 पर है एंड उसके हिसाब से हम लोग उसकी अपडेट देंगे बिल्डर हॉल 8 की, ओके। तो उन्होंने क्लेन गेम्स लाई, उसके बाद बहुत सारे लोगों का इतना प्रोग्रेस हुआ बिल्डर हॉल 7 में, इतना लोगों का मैक्स आउट हुआ, या फिर बिल्डर हॉल 6 वाले बिल्डर हॉल 7 पर आए, यानी इतनी जल्दी ज़्यादा इतनी प्रोग्रेस हो गई भाई। उन्होंने राइट टाइम पे एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम के उन्होंने बिल्डर हॉल 8 को लॉन्च कर दिया, अपडेट दे दी, और सेम टू सेम ऐसा ही है TH12 में भी उन्होंने जब बोला था, लोगों ने बोला भाई कब आएगा, तो उन्होंने बोला था अभी भी TH11 के बहुत ही कम प्लेयर है जो TH12 में स्वीप हो सकेंगे, मतलब कि जैसे ही अपडेट देंगे वो लोग TH12 अपग्रेड कर लेंगे, चाहे जैम से अपग्रेड करें या फिर 10 दिन के या 12 दिन के जितने भी दिन बोले वो उतना दिन वो लोग वेट करें, बट तुरंत ही वो लोग स्विच कर लेंगे गेम को अपडेट करके, तो वो बहुत ही कम लोग है। तो वो लोग बहुत ही बढ़ाना चाहते थे, तादाद बढ़ाना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग TH12 में स्विफ्ट हो, बिकॉज आगे जाके पुशिंग होगी तो पुशिंग में भी इतने ही प्लेयर मिलने चाहिए, वरना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, पुशिंग हो सकती है बहुत ही भाई ज़्यादा क्लाउडिंग मिलेगी। तो इसी वजह से वो लोग ना उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, मैजिकल आइटम, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड से अपनी प्रोग्रेस करें, बेस को आगे बढ़ाएं एंड आप मानोगे नहीं गाइस, जब से क्लेन गेम्स आई है ना उसके बाद बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा विलेज प्रोग्रेस हो गया है। आप लोगों को खुद को पता होगा भाई आपका विलेज कितना प्रोग्रेस हो गया है, हर एक मैजिकल आइटम हम लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करती है हमारे विलेज में आगे बढ़ाने के लिए। तो समझ लीजिए कि ये जो मैजिकल आइटम है एक तरीके से क्लैश ऑफ क्लैन को थोड़ा सा फास्ट मूव करने के लिए, मतलब कि अभी तक धीरे धीरे से चल रही थी, बोरिंग चल रही थी, तो क्लैश ऑफ क्लैन को थोड़ी स्पीड लिए दी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग TH11 मैक्स आउट हो जाए और वो लोग एक परफेक्ट टाइम पर TH12 ला दे, इसके लिए इन्होंने ये मैजिकल आइटम लाई है। एंड भाई आप लोग मानोगे नहीं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अपडेट अच्छी लगी एंड बहुत सारे लोग अभी एक्टिव हो चुके हैं, पहले नहीं थे बट अभी एक्टिव हो चुके, कंटिन्यूसली कर रहे हैं वो लोग, मतलब कि क्लीन गेम भी खेल रहे हैं, वापस आ गए। तो ये रीज़न है कि भाई उन्होंने मैजिकल आइटम लाई है, बहुत ही स्लो हो गई थी, हम बोले ना ठंडी पड़ गई थी COC एकदम डाउन, मतलब कि धीरे धीरे से चल रही थी एंड जब क्लीन गेम नहीं आई थी उसका पहले का जो टाइम था ना वो तो भाई इतना बोरिंग था ना, बहुत बोरिंग, मुझे इतना बोरिंग लग रहा था, क्लैश ऑफ क्लैन में ओपन नहीं करता था, दिन में दो बार करता था, मतलब कि मूड ही नहीं होता था। बट अब क्लेन गेम्स को याद करके सब लोग क्लैश ऑफ क्लैन ओपन करते हैं, भाई क्लेन गेम्स चल रही है रिवॉर्ड लेने, चल भाई ओपन करके हम लोग टास्क कंप्लीट करते हैं। तो ये रीज़न है इसके पीछे और यही रीज़न होगा। तो आप मुझे बताएं कि भाई आप लोगों को क्या लगता है, ये रीज़न हो सकता है नहीं हो सकता, एंड कमेंट में बताना भूलना मत भाई आपकी
फेवरेट मैजिकल आइटम कौन सी है आप मुझे बताना है, यह हैशटैग करके लिख देना भाई, ये मेरी फेवरेट मैजिकल आइटम है, एंड सभी के सभी आपकी फेवरेट मैजिकल आइटम है, तो हैशटैग ऑल करके लिख देना। तो ये था आज का वीडियो, होप यू गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आप लोगों को मैजिकल आइटम अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, बिकॉज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड अपडेट उसके बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, द क्लैश ऑफ क्लैंस।